सो हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई की तरफ से। एसएससी ने ये बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है हमें, ठीक है। यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट कराता था आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन, तो उसने एक न्यू नोटिस जारी की है। बहुत बड़ी नोटिस अपलोड हुई है कि अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था एसएससी का, तो आपको फिर से कराना पड़ेगा OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि SSC ने जो अपनी वेबसाइट को जो है चेंज कर दी है, जैसे कि पहले SSC की वेबसाइट थी SSC.NIC.in था, वो चेंज करके कर दिया गया SSC.GOV.in, ठीक है। तो अब जैसे ही इस वेबसाइट को आप क्लिक करते हैं, ठीक है, SSC.GOV.in, तो उस पर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 1TR यानी कि OTR। उसके बाद तब आप जो SSC JEE का फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए जल्दी से इसकी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और अपना OTR कर लीजिए, ताकि जो भी आप SSC के रिगार्डिंग आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसको आप भर सकें और एग्ज़ाम दे सकें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सोचा कि आप लोगों को जो है शेयर कर दूँ। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है http://ssc.gov.in हैज़ OTR प्रोविजनली डन ऑन अर्लियर वर्जन ऑफ कमीशन वेबसाइट दैट इज SSC.NIC.in ऑल एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू न्यू वेबसाइट दैट इज http://ssc.gov.in ओनली। यहाँ पर लिखा हुआ अंडर सेक्रेटरी IT 19 फरवरी 2024। आप लोगों के लिए का वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।